नमस्कार, न्यूज क्लिक और इतिहास के पन्ने में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि वो कुछ दिन पहले एक ऐसे समारोह में गए थे जहां काफी तादाद में लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया था, और उस परिवर्तन के प्रोसेस में उन्होंने ऐसे 22 वाव या वचन लिए थे जो हिंदू हित या एंटी हिंदू हैं। तो उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि राजेंद्र पाल गौतम एंटी हिंदू हैं, आम आदमी पार्टी एंटी हिंदू है। बैकड्रॉप है, चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, जहां पे आम आदमी पार्टी एक क्रेडिबल फोर्स के तौर पर उभर के आई है। तो राजेंद्र पाल गौतम ने जिस समारोह में अपना धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि वो ऑफिशियली जाके वो बौद्ध उसके बाद से उस दिन से बने, और उनके साथ जो हजारों लोगों ने भी जो अपना धर्म परिवर्तन किया, इसका असल में एक लंबा इतिहास है। ठीक आज से करीब 66 साल पहले अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया था एक काफी लंबे कैंपेन के बाद। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, इसकी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप क्या है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सब पार्टी अपनाना चाहते हैं, लेकिन वो सेक्शनली अपनाना चाहते हैं कुछ हिस्सा, पूरे टोटैलिटी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोई नहीं अपनाना चाहता। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे मित्र और बहुत जाने माने सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर एन सुकुमार हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो सुकुमार जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू नीलांजन जी, धन्यवाद आपको भी, आप मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो हम शुरू करेंगे हमारा जो इंटरव्यू। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो घटना है इसका स्ट्रेट अवे लिंक है उन 22 वचनों से या 22 वाव से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 में खुद लिया था और अपने साथ लाखों लोगों को दिलवाया था। तो 1956 में हम चले जाते हैं कि किस परिस्थिति में, क्या बैकड्रॉप था कि एक लंबे समय के बाद, एक हमें सब पता है कि लोगों को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जिंदगी के बहुत शुरुआती दिनों में कहा था कि आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई शैल नॉट डाई अ हिंदू, और अल्टीमेटली उन्होंने वो अक्टूबर 1956 में कर दिया। और ठीक संयोग की बात है कि 2 महीने बाद दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो आज के जो श्रोता हैं, जो उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, वो 1956 के घटनाओं के बारे में ज्यादा अवगत नहीं है। तो आप इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, हमारे जो बुद्धिस्ट स्टडीज हैं और जो दलित पॉलिटिक्स है उसके एक बहुत ही बड़े स्तंभ हैं, तो आप जरा हमें समझाइए कि उसका क्या बैकड्रॉप था। नीलांजन जी, इसका बैकड्रॉप ये है, 1935 में, 1956 में नहीं है, 1935 में उन्होंने योल कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया, हम इस जो धर्म हमको समान नहीं मानते हैं उस धर्म पे हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए 1935 जो है वो बैकग्राउंड बना, और उन्होंने ये सोचा, 20 साल लगभग उनको 20 साल लगा, इसी दिन, यही दिन 1956 अक्टूबर 14 को उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। ये स्वीकार करने के पीछे ये है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक पूरा कलेक्टिव रूप से, वो दलित समुदाय का रूप से देखा गया, तो जिस तरीका से धर्म जो है वो धर्म वो इनइक्वालिटीज को पैदा कर रहा था, मतलब तारतम्य भेदभाव को ज्यादा पैदा कर रहा था जी। उनका छोटा सा जो किताब जो है वो वेटिंग फॉर वीजा, उसमें वो खुद ही किस तरीके से ह्यूमिलिएट हुआ ये जो कास्ट हिंदूज का हाथ में,
तो उन्होंने बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया, और जिस तरीका से एट्रोसिटीज हो रहा था पानी के लिए, पब्लिक स्पेसेस एक्सेस के लिए, उन्होंने ये सोचा जो धर्म हमको अब समान नहीं मान रहा है उस धर्म में रहने का जरूरी नहीं। तो उन्होंने एक वादा किया उस दिन, हम इस हिंदू धर्म में मैंने पैदा हुआ नहीं तो मैं जरूर नहीं मरूंगा। I born as a Hindu, but I will not die as a Hindu. I shall not die as a Hindu. No, that's how उन्होंने इस तरीके से एक लंबे समय से एक सोच उसका मन में था। उसी सिलसिले में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का बारे में भी पढ़ा, इस्लाम का बारे में भी पढ़ा और सिखिज्म का बारे में भी पढ़ा। उन्होंने ये सोचा जिस जमीन पे ये जो बुद्धिस्ट नेशनहुड है ये तो जिस जमीन पे बुद्धा का एक फिलॉसफी जो थे वो फिलॉसफी लगभग उसका सोच जो है इक्वालिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी का जो सोच है ये तीनों चीज उन्होंने बुद्धिज्म में देखा। तो इसलिए उन्होंने लगभग 20 साल सोच समझ के उन्होंने 1956 में बुद्धिज्म का ये स्वीकार किया। जी सुकुमा जी, एक चीज जो समझना चाहता हूं कि 1956 में उन्होंने खुद अपना धर्म परिवर्तन किया और उनके साथ करीब आधे मिलियन लोग के बारे में बोलते हैं कि करीब 5 लाख लोगों ने उनके साथ उसी दीक्षा समारोह में नागपुर में ये इवेंट हुआ था और उसके बाद कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद भी जैसा कि अभी पिछले दिनों की जो घटना ने जो कार्यक्रम जिसमें गौतम जी गए थे उसे ये साबित होता है कि ये सिलसिला लगातार पिछले 66 साल से चलता रहा है कि जो लोग दलित हैं हिंदू समाज में जिनको वहां पे सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिली तो वो लगातार सिक्वेंशियली अलग अलग देश जगहों पे ये एक प्रोसेस चलता रहा है। तो इसका एक लंबा इतिहास है कन्वर्जन्स का चलता रहा है। तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध सोसाइटी में, हिंदुस्तान की सोसाइटी में बाय एंड लार्ज जितना मैं समझता हूँ कि इन लोगों को शायद न्यू बुद्धिस्ट के तौर पे कहा जाता है या दलित बुद्धिस्ट के तौर पे कहा जाता है। तो बौद्ध समाज में क्या कोई डिफ्रेंसिएशन है जो दूसरे किस्म के बौद्ध हैं और जो लोग पहले हिंदू थे फिर अपना धर्म बदल के बौद्ध बन गए? ये जो ये ऐतिहासिक रूप में देखा गया तो ये सबसे लंबा सोशल मूवमेंट का माना जाता है। ये सबसे लंबा सोशल मूवमेंट है। बहुत सोशल मूवमेंट्स आया, बहुत सोशल मूवमेंट्स भी बीच में खत्म हो गया। नहीं तो ये जो कन्वर्शन मूवमेंट जो है ये ऐतिहासिक रूप में बहुत लंबा सोशल मूवमेंट है। जब तक हिंदुइज्म में इनइक्वालिटीज होगा, ह्यूमिलिएशन होगा हिंदुइज्म का वजह से और हिंदू रिलीजन का वजह से सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तब तक ये चलता रहेगा। ये हर साल चल रहा है, हर साल लाखों लोग जाके वहां पे ये दो 22 प्रतिज्ञा जो ले रहा था ये सारे हर साल चलता है। ये दिल्ली में भी अंबेडकर भवन में भी हर हफ्ते चलता है। जो लोग बुद्धिज्म में शामिल होने के लिए सोच रहा है वो लोग हर साल हर महीने जाके भी हर साल वो जहां जहां वो बुद्धिज्म वो जो कन्वर्शन होते हैं वो चलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कार्यक्रम में गौतम जी गए थे ऐसा नहीं कि ये अचानक से बहुत सालों के बाद एक कोई आयोजन हो गया, ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री वहां पे गए और वहां पे उन्होंने वो वचन लिए और उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉन्ट्रोवर्सी बना दिया और डिक्लेयर कर दिया कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जो है एंटी हिंदू है, हिंदू हेट हेट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मंत्री जी ने भूतपूर्व मंत्री ने ये भी बोला जी। ये तो मैं व्यक्तिगत रूप में गया वहां पे कहीं ना आम आदमी पार्टी का नाम आया या कहीं पे आम आदमी पार्टी का जिक्र भी नहीं थे। तो ये व्यक्तिगत रूप में जब गया उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया ये तो एक हर साल चल रहा है, ये इसमें कुछ नया बात नहीं है। फिर भी इसको वो पॉलिटिक्स करने का वजह से ये मामला बहुत उछल गया। नहीं तो एक अच्छा हुआ ये भाजपा लोग पहले 22 प्रतिज्ञा इतना पॉपुलर नहीं थे, ये भाजपा वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया। अभी
ये विचारधारा का लड़ाई होने वाला है इस आगे वाला दिन में। आपने कुछ थोड़ा सा मेरे लिमिटेशन की तरफ भी पॉइंट आउट किया है इसके बारे में बोल के कि 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता था। इतने सालों से डॉक्टर अंबेडकर और इस पूरे प्रोसेस के बारे में हालांकि काफी डिटेल में पढ़ते रहे, लेकिन कभी बहुत फाइन प्रिंट में मैंने सारे जो 22 जो वचन थे या जो वाउस थे उनको मैंने कभी प्रतिज्ञा थे उनको कभी मैंने ध्यान से नहीं देखा था। आज मैंने पहली बार उस पूरी सूची को निकाल के देखा और पढ़ने समझने की कोशिश किया, तो इसमें साफ कहा गया है कि आई शैल हैव नो फेथ, ब्रह्मा में कोई विश्वास फेथ नहीं रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनको नहीं पूजेंगे, राम और कृष्ण को नहीं पूजेंगे, उनको भगवान के अवतार के तौर पे नहीं मानेंगे, गौरी गणपति और बाकी भगवानों को नहीं मानेंगे, मैं इनकार्नेशन मतलब किसी का अवतार बनना उसको नहीं मानूंगा, बौद्ध मतलब बुद्ध को मैं विष्णु का अवतार के तौर पे नहीं देखूंगा जैसा कि माना जाता है। तो इस तरह के काफी स्पष्ट क्लियर ये भी बोला गया कि मैं हर साल श्राद्ध और पिंड जो अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि के समय जो हिंदू लोगों का खत्म हुआ है वो नहीं परफॉर्म करूंगा। तो इस तरह से काफी चीजों को स्पष्ट करके कहा गया है, तो मुझे इतना समझ में आता है कि संघ परिवार को हमेशा से इन 22 वचनों से या प्रतिज्ञाओं से परेशानी रही होगी। तो 1956 में वापस चले जाते हैं, आज हम स्थिति ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने में लगी हुई है। हम अप्रोप्रिएशन की पॉलिटिक्स के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले ये समझना चाहेंगे कि इस 1956 के घटनाओं के बाद संघ परिवार का एटीट्यूड क्या था डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। ये जो खासकर 1990 के बाद जब भारत रत्न मिला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, उसका पहले कभी भी बाबा साहब के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं होते थे। तो उसके बाद जब भारत रत्न जो मिला वीपी सिंह गवर्नमेंट जब थे, उसके बाद वो जो 100 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन जो है अंबेडकर का जो है वो एक तरफ से अंबेडकर को बहुत आगे मतलब उसका विचारधारा को सारे चीजों को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस सिलसिले में संघ कभी भी अंबेडकर को नहीं माना, अभी भी नहीं मानते हैं संघ, या संघ भी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या आप ये जो भाजपा भी हो, उसका सिर्फ पॉलिटिकल गेम्स के लिए अंबेडकर का नाम लेता है, अंबेडकर का सेलिब्रेशंस को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए बोलता है, नहीं तो उसका विचारधारा बहुत खतरे है उनको। तो इसलिए वो ये 22 प्रतिज्ञा जो है ये उसको उसका खिलाफ ट्वीट करके वो बहुत पॉलिटिक्स किया। विचारधारा से लड़ाई होना ही है। पिछले 2 महीने या 3 महीने का पहले यही देश का होम मंत्री जो है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में ये जिक्र किया, ये विचारधारा विचारों का लड़ाई होना बहुत जरूरी है, विचारधारा का लड़ाई होना बहुत जरूरी है, विचारधारा का विचार होना बहुत लड़ाई है जरूरी है। तो जब विचारधारा का विचार होना बहुत जरूरी है तो ये क्या है? विचारधारा से विचार करना, विचारधारा का लड़ाई होना मतलब विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे हम क्या रीजनेबली अच्छा है। विश्वास करना संविधान एक हक देता है कि हर सिटीजन को एक संविधान हक देता है, राइट टू बिलीव फेथ राइट, ये जो है। तो ये जो राइट वहां पे कहीं पे गाली बीली नहीं दिया, वो बोला भाई मैं नहीं मानूंगा, इसमें क्या गाली है, तो मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूं। इसी सिलसिले में ये जो इतना पॉलिटिसाइज करके संघ ने एक पैदा किया, मतलब उसका आर्गुमेंट देखना है पेपर में, वो लोग ये बोल रहा है ये वो एक टेंशन क्रिएट कर रहा है ऐसा प्रतिज्ञा लेके सोसाइटी समाज का अंदर करके उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया। ऐसे कोई टेंशन क्यों, ये तो संविधान आपको हक देता है, आप विचार आप कोई भी विश्वास को मानो या नहीं मानो, संविधान का खिलाफ ये लोग काम कर रहा है। जो लोग खिलाफ मतलब संविधान में जो लिख मतलब संविधान का खिलाफ काम कर रहा है, अंबेडकर चाहिए, अंबेडकर का विचारधारा नहीं चाहिए इन लोगों को,
ये कैसा चलेंगे? मतलब कॉस्मेटिक। मोदी जी 2010 में गुजरात में एक गौरव यात्रा निकाली जी, मैं उसके आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 2010 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गौरव यात्रा निकाली थी और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट किया गया था और एक आदर्श पुरुष के तौर पर, आदर्श भारतीय के तौर पर उनको पेश किया गया था और अपने आप को सही डॉक्टर अंबेडकर के लेगेटीज के तौर पर पेश किया था। इसके बारे में जरा बताएंगे। ये वहां पे भी नहीं है। वहां पे वो जो गौरव यात्रा लिया वो एक दलित वोट बैंक के लिए अपीज करने के लिए लिया उन्होंने। तो जहां जहां उनको सूटेबल होता है दलित का अपीज करने के लिए तभी अंबेडकर का नाम लेता है, जय भीम बोलता है और ब्लू कोट पहन के चले जाता है। तो इस तरीका से तमाम रैलियों में, यहाँ प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अंबेडकर का अपीज करना शुरू किया। उन्होंने अप्रैल 14 को जाके इसी दिल्ली में अपीज करना शुरू किया। नहीं तो आप 125 इयर्स ऑफ अंबेडकर का जो उन्होंने सेलिब्रेट किया वो पांचजन्य और उनका जो माउथपीस है वो सब उसमें इस तरीके से मिसइंटरप्रेट किया गया है। अंबेडकर का वो बहुत मिसइंटरप्रेट किया। अंबेडकर हिंदू धर्म को कभी भी नहीं माना। उसमें लिखा गया है हिंदू धर्म को माना, वो धर्म को माना, हिंदू धर्म को नहीं माना। हिंदू धर्म को कभी भी नहीं माना उन्होंने। तो ये जिस तरीके से गौरव यात्रा लेके वहां से लेके केंद्र सरकार बनने तक जिस तरीके से अंबेडकर को जहां जहां सूटेबल होता है वहां पे यूज करना कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट द्वारा द्वार पे, नहीं तो रिलीजियस आइडियाज और कास्ट पे लेके आया तो फिर उसी मामले में मामला ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत गलत बात है जी। मान रहा है तो कंप्लीटली मानना बहुत जरूरी है जी। मैं एक चीज देख रहा था आपसे बात होने के बाद, जब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में, तब मैंने थोड़ा पढ़ाई शुरू की। पुराने चीजें कई बार भूल जाते हैं हम लोग, तो मैंने ये आविष्कार किया कि 2015 में ठीक डॉक्टर अम्बेडकर के 125वीं जयंती के ठीक एक साल पहले, तब ऑलरेडी सरकार ने सेलिब्रेशंस को शुरू कर दिया था। उस साल 2015 में गुजरात सरकार ने गुजरात के स्कूलों, सरकारी स्कूलों में छठे से लेके आठवें क्लास तक के जो बालक थे उनके जो टेक्स्ट बुक थे, उस टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में था जिसमें ये 22 प्रतिज्ञाओं या वचन के बारे में जिक्र था। तो उसको लेके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी संघ परिवार के अलग अलग विंग्स के तरफ से उसको उछाला गया और अल्टीमेटली जाके गुजरात सरकार ने उन प्रतिज्ञाओं को अपने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। ये एक एविडेंस मिलता है। उसके बाद 2019 में फिर से गुजरात सरकार ने एक फिर से स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में डॉक्टर अंबेडकर का जो नारा था, जो मूल नारा जिसके बारे में मैं आपको पूछूंगा, उन्होंने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। ये तीन चीजें थे, शिक्षित हुई, ऑर्गेनाइज हुई और फिर आंदोलन करिए। इसके बारे में इसको लेके भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि इस सरकार को एजिटेशन शब्द से शायद बहुत परेशानी है क्योंकि वो किसी भी तरह का एजिटेशन, विरोध, विद्रोह उसको स्ट्रेट अवे ट्रीजन के तौर पर देखती है कि ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। अल्टीमेटली जाके डॉक्टर अंबेडकर का जो स्लोगन था उसको कन्वर्ट किया गया कि एजुकेट ऑर्गेनाइज को तो चेंज नहीं किया गया लेकिन एजिटेट शब्द को हटा दिया गया और सेल्फ रिलायंस विद ट्रू असिस्टेंस, और वही अभी आत्मनिर्भर के तौर पर पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी उसी को चलाए जा रहे हैं। हर जगह आत्मनिर्भर और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के आत्मनिर्भर होने का आइडिया उसको वो प्रमोट करते रह रहे। तो एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके, जो ऐसे आपने कहा कि उनके विचार, उनके शब्द उसको पूरी तरह से रिडंडेंट या ऑब्सोलीट बना दे रहे हैं। अच्छा नीलांजन जी, एक चीज है इस देश में, फ्यूचर में भी, अभी भी है, फ्यूचर में भी एक ही विचारधारा
मतलब मैं दूसरा विचारधारा से इसको चैलेंज नहीं कर पाऊंगा ये नहीं बोल रहा हूं, ये मेजर मुद्दा जो है, मेजर विचारधारा है, एक अंबेडकर तौर पे ही इस ये जो भाजपा या संघ वाले के साथ टकराव होगा जी। किस तरीके से टकराव होगा, अब देखिए ये 22 प्रतिज्ञा वो जो स्कूल किताब में थे उसको हटाया गया है, वहां पे कहां पे, वो गुजरात में। अब ये जो नागपुर में जो 22 प्रतिज्ञा वो दीक्षा भूमि वहां पे जो है वो क्या ये लोग हटाया जाएगा? इसी मंत्रालय का जो वो जो सोशल जस्टिस मंत्रालय का जो अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस जो है उस वॉल्यूम्स में ये 22 प्रतिज्ञा भी है, क्या ये हटाया जाएगा? मान के चलिए ये हटाया जाएगा, नहीं तो एक पब्लिक मेमोरी एक है, वो पब्लिक मेमोरी में ये 22 प्रतिज्ञा जो है ये हर बार इन लोगों को हॉन्ट करता रहेगा, मतलब हॉन्ट का हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोला, बट हॉन्ट करता रहेगा। तो इसलिए उनको डर है, ये देख दलित समुदाय को देख के डर है, एक दलित मूवमेंट को लेके डर है, जेबी नारा से लेके डर है। तो ये आज ये आत्मनिर्भर कहां तक आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे? एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चे, ये 8 साल का बच्चे पानी पीने के लिए गया तो उसको मारा डाला गया जी। तो लड़कियां अभी हाल में उसको मारा गया है, यूपी में अभी एक स्कूल बच्चे को मारा गया है, कहां हथरास देखा हमने, हम वहां पे वो उन्नाव देखा, कहां तक आत्मनिर्भर भारत है ये? ये जब तक इस समाज इन लोगों का पीछे पड़के, मतलब जानवर को रक्षा मिलता है, जानवर को गौरव मिलता है इस देश में, मानव को गौरव नहीं मिल रहा है, मानव को ये रक्षा नहीं मिल रहा है, क्या इन लोगों को ये नहीं, ये देख के ट्वीट नहीं कर सकते? जो 10,000 लोग दीक्षा लिया, एक अच्छा काम के लिए दीक्षा लिया, एक बुद्धिस्ट नेशन, मतलब ये तो हिंदू नेशन कभी भी नहीं थे, मैं बोल रहा हूं इतिहास के रूप में देखा गया तो ये तो बुद्धिस्ट नेशन थे, तो इस बुद्धिस्ट नेशन को हिंदू नेशन बनाया गया है, वही रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में बहुत अच्छा तरह से अंबेडकर ने लिखा। क्या ये सारे किताब को, ये सारे विचारधारा को ये लोग हटाया जाएगा? ये कभी भी नहीं हो सकता है। विचारधाराओं का लड़ाई विचारधाराओं को साथी होता है, हम सब लोग विचारधारा को लड़ाई के तैयार है हम जी। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि ये एक ऐसा देश बन गया है जहां जानवरों को गौरव को रेस्पेक्ट किया जाता है लेकिन इंसान को नहीं रेस्पेक्ट किया जाता, क्योंकि जात का लेबल उनके लिए उन पे जो है वो अनएक्सेप्टेबल है सवर्ण मेंटालिटी वाले लोगों को। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी है जो करीब हम लोग 100 साल से ज्यादा देखते आ रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स नाम की एक बहुत ही वाइब्रेंट ट्रेंड है हिंदुस्तान की राजनीति में, खासतौर से पिछले 75 सालों से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ। और डिप्रेस क्लास की राजनीति तो मतलब आपको पता ही है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद से गांधी जी के साथ विवाद होने के बावजूद उसके बाद से एक तरह से हमारे राजनीति के सेंटर स्टेज पे आ गई। आगे आने वाले दिनों में आप दलित राजनीति को किस तरह से देखते हैं, खासतौर से 2 साल के अंदर, मतलब 18 महीने के अंदर दोबारा से हम लोकसभा चुनाव के बीच में होंगे, तो क्या लगता है आपको, रोड मैप क्या है? इस मुद्दे का जाने का पहले एक छोटा सा मैं जिक्र करके फिर मैं इसका रेस्पॉन्स दे दूंगा। ये जाति को अभी वो अनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर ने 1920s में बोला, और उसके बाद अभी राजेंद्र पाल गौतम ने ये 10,000 लोगों का साथ वो जब दीक्षा लिया वो 22 वर्ष का, उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंगली मोहन भागवत ने बोलता है भाई ये जाति खत्म होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से खत्म होना वो भी बताया तो बहुत अच्छा होता है मोहन भगवत जी ने। वो जाति खत्म होना बोल के वो अभी आगे क्या है उसका रोड मैप उनको पता नहीं है, वो देखना है, वो हम वेट करेंगे उसका, वो किस तरीके से खत्म करेंगे। सामाजिक समरसता करके जाति खत्म हो गया तो फिर वो उन्होंने जिक्र किया था कि लोगों को खास फंक्शंस में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। हाँ। मतलब ये इशारा वो था कि उत्तर भारत के खास एरियाज में एक सवर्ण हिंदू ग्रुप्स की तरफ से एक प्रेशर होता है कि दलित लोग शादी के समय घोड़े पे नहीं चल के बारात में नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक मार्शल जाति का एक राइट है। मतलब ये जो बेसिक जो चीज है वो भी नहीं अलाउ करना चाहते, तो ये तो जाति का मैनिफेस्टेशन है।
बल्कि जात जाति तो हिंदू धर्म का एक इंटीग्रल हिस्सा है। जब तक उसको आप चेंज नहीं करेंगे, माइनर छोटे मोटे रिफॉर्म से, पिछले 100 साल से सावरकर ने भी शुरू किया था कि मंदिरों में दलितों की एंट्री होनी चाहिए, तो वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि कम से कम कुछ पर्पस के लिए हिंदू इकट्ठे हो सके मुसलमानों के खिलाफ। तो दलित समाज समुदाय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सवर्ण मेंटालिटी वाले संगठन उनको मुसलमानों के खिलाफ लगातार और इस्तेमाल ना कर पाए। क्या आपको लगता है कि खत्म हो पाएगा? जाति व्यवस्था कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक ये हिंदू धर्म होगा। वो अंबेडकर पहले बोला, मैं भी बोल रहा हूं, बहुत अंबेडकरवादी लोग भी बोलता है, ये सच्चाई है। जब तक ये हिंदू धर्म है उस टाइम तक ये तो जाति भेदभाव होता रहेगा। वो जब जाति भेदभाव होता रहेगा ये एजिटेशन होता रहेगा। वो जब एजिटेशन होगा ऐसा, इसीलिए जब वो इंसान को इंसान नहीं मानते हैं तो हम क्यों इस धर्म में होना, वो एक है। तो इसलिए आगे बहुत इसका वो जो बुद्धिज्म का कन्वर्शन जो है वो बहुत आगे चलेगा। ये मिशन जय भीम का जो है, वो जो मंत्री बोल रहा था, उसका रोड मैप बहुत क्लियर है। 2025 को 10 करोड़ लोगों को नागपुर में दीक्षा में शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम है। आप जो सवाल पूछे वो दलित मूवमेंट और आगे 2 साल किस तरीके से होगा। बहुत सालों से दिल्ली में एक अच्छा नेता नहीं मिल रहा था एक दलित समुदाय का। एक बार एक जमाना में 11% वोट बैंक दलित वोट बैंक थे, अब इकट्ठा हो रहा है दिल्ली में भी। अब ये चैलेंज आम आदमी पार्टी को भी बहुत एक चैलेंज है। आज उन्होंने उसका घर से लेके 26 अलीपुर रोड तक उन्होंने जो पदयात्रा किया उसमें हजारों लोग आया। यही ऐसे ही वो चलता रहेगा। दलित मूवमेंट का एक मेजर मुद्दा है अभी किस तरीका से ये हिंदुत्व एजेंडा को रोकना। एक 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 रोड मैपर बनेगा, वो चलता रहेगा, वो सफल भी हो सकता है या धीरे धीरे सफल हो सकता है। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1-2 साल में खत्म हो जाएगा या सफल हो जाएगा। बट एक चीज है, अब सारे दलित नेता लोगों को ये समझ में आ रहा है कौन हमारा सांस्कृतिक असली शत्रु, हु इज आवर कल्चरल एनिमी, असली कौन है। हाँ जी, अब ये इस विचारधारा का लड़ाई बिकम्स ए मेजर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा, या इलेक्शन हो या सोशल मूवमेंट हो, कोई भी हो। अब ये रोकने वाला नहीं है। तो इसका परिणाम जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अंबेडकर को नाम लेके अभी तक यूज किया गया है वो अभी धर्म संकट में है। उस धर्म संकट से बाहर आने के लिए क्या क्या करेगा मुझे पता नहीं। नहीं तो दलित मूवमेंट में जो जिस तरीका से आगे जाना, एक लीडरशिप भी, एक कंसोलिडेशन मिला अभी। बहुत लोग राजेंद्र पाल गौतम को आके मिल रहा है, ट्वीट कर रहा है, प्रकाश अंबेडकर, वो वीसी के नेता जो है तिरुमा वल्लवन, और चंद्रशेखर जो आजाद है, वो सब लोग दे रहा है, मतलब वो भी सोच रहा है इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो आगे दलित मूवमेंट एक अच्छा रास्ता में जाएगा, पॉलिटिक्स भी अच्छा रास्ता में जाएगा। जब तक ये पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन करता रहेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजनेस एंड अप्रोप्रिएशन, बट फिर भी ये एक ही विचारधारा से डर है संघ लोगों को, ये अंबेडकरवादी विचारधारा से है। ये अंबेडकरवादी विचारधारा रहेगा जब तक ये ह्यूमिलिएशन चलता रहेगा, तब तक अंबेडकर इज ए लिविंग आइकॉन, मतलब हिंदी में मुझे ये पता नहीं है, अंबेडकर इज ए लिविंग मेमोरी ऑफ पीपल, जीवित आइकन है। वही है। सुकमा जी, आपने मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपने समझाया, और आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे जाके अपनी बात को खत्म की कि क्योंकि हम आंदोलन अंडर प्रिविलेज, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनके डेमोक्रेटिक आंदोलन के साथ हमेशा कंधे से कंधा लगा के खड़े होते हैं, हम आप जैसे लोग और हमारे जो संगठन हैं उनके साथ खड़े होते हैं। तो आपने ये आशा व्यक्त की कि ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, और जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टीज जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट को तो गले लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल जो ओवरआर्चिंग विचारधारा है दुनिया में, समाज में डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए, उसको नहीं अपनाना चाहते, तो ये डुप्लीसिटी को भी जो करारा झटका लगेगा
उसके बारे में आपने बताया, तो आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में हम लोगों को दोबारा से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सही मायने को एक बार फिर से समझना चाहिए। धन्यवाद।